हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो 29 जून की जितनी भी दिन भर की इंपॉर्टेंट अपडेट्स बनती है उसको हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और आप एक तरह से इसको इवनिंग अपडेट्स भी जो है वो मान सकते हैं। उससे पहले अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप डिफरेंट मॉक टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बाकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में। तो ये आज की जो है वो 5 बजे तक की अपडेटेड है। अगर बात करते हैं टोटल केसेस की तो 919 पर्सन जो है वो कोविड-19 से पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं, जिसमें एक्टिव केसेस की बात करें 363 हैं, माइग्रेटेड आउट आपके 11 हैं, रिकवर्ड आपके 536 हैं और डेथ जो है आपकी 7 की हो चुकी है। अगर बात करें 29 जून की तो 745 पर्सन को जो है वो टेस्ट किया गया था, 372 नेगेटिव निकले हैं, 373 का अभी जो है वो आपका वेटिंग में है। ठीक है, तो अगर बात करें 29 जून की 5 बजे तक की तो कोई भी अभी केस जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है। और बात करें कहां कहां पर जो है वो टेस्ट होते हैं तो आईजीएमसी शिमला हो गया, कसौली हो गया, टांडा हो गया, आपका पालमपुर हो गया, नहरचौक मंडी हो गया, नाहन सिरमौर हो गया और आपका चंबा हो गया। तो यहां पर जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। जब से कोरोना वायरस हिमाचल प्रदेश में आया है 70,228 पर्सन को जो है वो टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 75,794 जो है वो नेगेटिव निकले हैं और 515 की अभी रिपोर्ट आनी जो है वो बाकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें कितने एक्टिव केसेस हैं तो बिलासपुर में 16 हैं, चंबा में 10 हैं, हमीरपुर में 102 हैं, कांगड़ा में 115 हैं, किन्नौर में 5 हैं, कुल्लू में 1 है, लाहौल स्पीति में भी जो है वो 1 केस आ गया है, यानी कि लाहौल स्पीति में भी पहला मामला जो है वो देखने को मिला है। मंडी में 5 केसेस हैं, शिमला में एक्टिव केसेस 20 हैं, सिरमौर में 14 हैं, सोलन में 43 हैं और ऊना में 31 है। तो टोटल केसेस जो है वो 363 एक्टिव है, यानी कि अब कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जिसमें कोई भी केस नहीं आया है। इवन आपका जो लाहौल स्पीति अभी तक बचा हुआ था वहां पर भी 1 केस आ चुका है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण है, जो आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर के गांव के ग्रामीण है, वहां उनकी जो है वो आर्मी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और ये एक बहुत अच्छी बात है। रीजन आपको पता ही है कि जो हमारे चीन के साथ अभी फिलहाल जो तनाव चला हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है, ताकि ग्रामीणों के जो दिल है उससे लड़ाई का डर जो है वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो इसमें जो है वो लाहौल स्पीति के 12 गांव को शामिल किया गया है और आपके किन्नौर के 36 गांव शामिल किए गए हैं और उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो आत्मरक्षा के गुर जो है उनको सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है वहां पर 5 अफसरों ने जो है वो मोर्चा संभाला है और जितने भी लाहौल स्पीति के 12 गांव और किन्नौर के 36 गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनकी आर्मी ट्रेनिंग को जो है वो शुरू किया गया है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारे इंडियन आर्मी है उसके द्वारा, ताकि लोगों को ऑब्वियस बात है जो भी वो लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है, उनका डरना जायज है, तो उनके दिल से डर निकल जाए, उनको अपनी आत्मरक्षा के गुर आ जाए। ठीक है, तो वो जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीजें शुरू की है। तो टोटल 48 गांव के लोगों को जो है वो सेना के अधिकारी जो है वो प्रशिक्षण देंगे और इसकी शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है टीबी के ऊपर, जिसमें जो आपका प्रदेश है, पूरा देश है, उसमें से जो है वो 6 मेडिकल कॉलेज को जो है वो चुना गया है और उसमें आपका हिमाचल प्रदेश का भी एक मेडिकल कॉलेज शामिल किया गया है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ट्यूबरकुलोसिस चेन्नई के साथ जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने जो है MOU साइन किया है और एक बहुत अच्छी जो है ये हिमाचल प्रदेश के लिए बात है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि प्रदेश के तहत जो है वो 6 मेडिकल कॉलेजों को जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जगह मिली है, जिसमें प्रदेश को भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और प्रदेश का कौन सा कॉलेज जो है इसके लिए सिलेक्ट हुआ है तो वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा। ठीक है, बात करें रिसर्च प्रोजेक्ट की तो इसके लिए जो है वो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो टीबी बर्डन को मापने और टीबी के लिए उच्च जोखिम समूहों में जो है वो रुझान करना। ठीक है, यानी कि जो भी रिसर्च होगी इसमें टीबी के ऊपर होगी और इसके लिए जो है इसकी जो इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है इसका सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके जो है वो पढ़ सकते हो, बट मेन चीज जो है मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो धर्मशाला के जो है वो विश्व चक्षु है जिन्होंने चीन पर जो है वो मुकदमा करने की सोच ली है। तो पूरी न्यूज क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भारत की तरफ से चीन के खिलाफ वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना को पूरे विश्व में फैलाने पर केस दर्ज जो है वो किया जाएगा। इसके लिए बौद्ध नगरी धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने केस करने के लिए कोर्ट में परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये धर्मशाला से रिलेटेड है, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है चीन के खिलाफ जो है मुकदमा दायर करेंगे कोरोना महामारी के कारण। ठीक है,
धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नीदरलैंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष मामला उठाया है। कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही और त्रासदी मचाई हुई है। इतना ही नहीं, देश भर में भी कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है। तो इसके तहत जो है उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है जुलाई से आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना जो है वो शुरू की जाएगी। तो पूरी डिटेल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो राज्य में जुलाई माह से स्ट्रीट वेंडर के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना जो है वो शुरू हो रही है। अब करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो योजना है वो किसके लिए है, वो है आपकी स्ट्रीट वेंडर के लिए। अब और इस योजना में क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी औपचारिकताएं जो है वो पूरी कर ली है। ऐसे में 1 जुलाई से इस नई योजना को लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 10 से 50,000 तक का जो है ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा और इसमें वेंडर्स को 7% सब्सिडी भी जो है मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योजना किससे रिलेटेड है, स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। दूसरी, कितने परसेंट की सब्सिडी इस पर दी जाएगी, तो 7% की सब्सिडी जो है वो इस पर दी जाएगी, ठीक है। और 10 से जो है वो 50,000 रुपए तक का जो है वो ऋण दिया जाएगा। तो योजना के मुताबिक पहले वेंडर को 10,000 रुपए का ऋण मिलेगा। इसे वापस करने के बाद वेंडर को 15 से 50,000 रुपए तक का जो है वो ऋण दिया जाएगा। यानी कि पहले वेंडर को मिलेंगे 10,000 रुपए, जब वो उसको रिटर्न कर देगा फिर 15 से 50,000 रुपए तक का आपका ऋण दिया जाएगा। और ये जो योजना चलेगी हिमाचल प्रदेश में मार्च 2021 तक चलेगी, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए भी। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने कोरोना काल में 3 नई योजनाएं जो है वो शुरू की है। इसमें शहरी आजीविका गारंटी योजना है, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम व प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना शामिल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी 3 योजनाएं जो है वो शामिल की गई है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो ब्यास पर डैम से पहले जो है वो ड्रिफ्ट टनल का जो है वो निर्माण किया जाएगा। और ये आपको सिंपल सा याद रखना है कि किस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो ये टनल बनाई जाएगी। तो धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत जो है ये सुरंग बनाई जाएगी। तो यहां से सिर्फ आपको इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। और कौन सी नदी पर बनाई जाएगी, तो व्यास नदी पर डैम जो बन रहा है उससे पहले जो है ड्रिफ्ट टनल एक बनाई जाएगी। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत, तो धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। बाकी और डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो ये पूरी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो भी बर्फ जो पिघलती है उसके कारण जो झीलें बनती है, ठीक है, उनकी मैपिंग जो है वो बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। अब इनका पता होगा आपको कि जो आपके 2014 में केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, तो वो भी एक ग्लेशियर के कारण, ग्लेशियर से जब बर्फ पिघलती है और उसके नीचे जो झील का निर्माण हो जाता है उसके फटने के कारण जो है वो हुई थी। तो इसके कारण जो है अब जो है वो मैपिंग की जाएगी कि कितनी झीलें जो है वो कहां कहां पर बनी है। तो अगर बात करें सतलुज बेसिन की, तो 2019 की अगर बात करें तो सतलुज बेसिन में 562 झीलों की उपस्थिति दर्ज की गई है, ठीक है। मतलब 562 झीलें ऐसी हैं जो कि आपकी बर्फ पिघलने के कारण जो है वो बनी है। तो पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो ये योजना बना रहा है कि इन सभी की जो है वो मैपिंग की जाएगी। और जो बाढ़ की घटनाएं होती है, क्योंकि ये जब टूटती हैं तो बहुत सारी बाढ़ जो है वो आती है, तो इनको समझने के लिए जो है वो नियमित निगरानी जो है इसके ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे और झीलों के बारे में, ठीक है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले जो है वो आपके जो पंचायतों के चुनाव हैं वो किए जाएंगे। तो वीरेंद्र कंवर ने बोला है कि नहीं, जो पंचायती राज संस्थाओं के जो है वो चुनाव जो है वो नहीं टल सकते। और साथ साथ मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि पंचायतों का पुनर्गठन जो है वो इस बार नहीं होगा। जितनी पंचायतें हैं यानी कि 3,226 पंचायतें, उन्हीं के ऊपर जो है वो चुनाव करवाया जाएगा। नगर निगम के इलेक्शन को जो है वो नहीं करवाया जाएगा। और पंचायतों के लिए रोस्टर जो है वो अगले महीने तैयार कर लिया जाएगा। तो जो भी पंचायतों के चुनाव होंगे या तो नवंबर के अंत में होंगे या फिर दिसंबर के पहले होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।